पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिका में, राज्य में, देश में, वो मतदाता जिनसे सरकार चलती है, जिनके मतदान से सरकार चलती है, वो मतदाता, वो नागरिक आज इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के टाटीबंध बीएसयूपी कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं जिससे रोजमर्रा की ज़िंदगी जो है त्रस्त हो गई है। यहाँ पर समस्या है कि यहाँ सफाई नहीं होती है, यहाँ पर सही से बिजली नहीं आती है, यहाँ की सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। करीब करीब 150 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और ये देखिए कि ये अलग अलग करीब 5 ऐसे बिल्डिंग्स यहाँ पर बने हुए हैं और इन ऐसे 5 बिल्डिंगों में 150-200 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। हम यहाँ के रहवासियों से जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर समस्या है और क्या यहाँ पर सरकार उन्हें क्या सुविधा देती है, किनसे शिकायत की है, क्या चीज़ बात की, क्या क्या समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, कॉलोनी में जैसे हम लोग जब से रह रहे हैं यहाँ तो कुछ ढंग से नहीं है, सीपे जा रहा है पानी में, कई लोग तो सोते नहीं है, बाल्टी लेकर पकड़ कर बैठे रहते हैं सर। और किस तरह की समस्या आ रही है, आप लोग यहाँ पर किस शिकायत करते हैं? ऐसा समस्या है कि यहाँ पे पार्षद जो बोला है कि भैया आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम पार्षद के भरोसे में आश्वासन में है, लेकिन हमको जो यहाँ पे जो हमारा निगम का जोन है वहाँ से भी हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और जो हमारा मुख्य पार्षद है कि यहाँ पे आपके आपका जो है पूरा जर्जर जो मकान हो गया है, जहाँ वहाँ से पाइप वाइप फटा हुआ है, जहाँ वहाँ से नाली वाली फटा हुआ है, जहाँ से जो लेटरिन का पाइप फटा हुआ है उसके लिए 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए आया हुआ है, उसका कार्य होगा, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि बाकी सरकारी जो लोग हैं वो सारे सरकारी लोग इस पैसे को, गरीब के पैसे को खा गए हैं अधिकारी लोग, और हमको खाली जर्जर में और हमको खाली बीमारी में यहाँ पे रहने के लिए हम लोग मजबूर हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप? आज कम से कम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल बोला है। ये बीएसयूपी कॉलोनी में कब से आ रहे हैं? 5 साल हो गए। क्या क्या समस्या है? समस्या पानी नहीं है, आपका बिजली नहीं है, गंदा होता है, सफाई नहीं होती, अच्छा दिख रहा है। अब बोलते हैं शासन दूंगा करूंगा, कोई कराता नहीं अधिकारी। अब वोट लेने की दारी होता है सब बोलते हैं करूँ। ये ढक्कन कब से खुला हुआ है? जब से आए हैं तब से खुला ही बंदे से नहीं है। जानते हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं पाइप नहीं तो कहीं नाली की सफाई नहीं। बान 5 साल हो गया, तब से 2 महीने लाइट रही, 1500 रुपया बनाए थी। अकेले आदमी कोई कमाने धाने वाला तो है नहीं, बुद्धा आदमी, काम धाम नहीं मिलता, कोई ना पढ़े लिखे यहाँ, तो लाइट बंद है, 8 बिना अंधेरे रहता हूँ। अभी भी लाइट बंद ही रहता? हाँ बंद है। कितने दिन हो गए? अरे बहुत कम से कम 2 साल हो गया लाइट बंद। एक तो पर्सनली यहाँ भेजे हैं सर, तो कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है। तो ये टाटीबंध बीएसयूपी कॉलोनी का हिस्सा है, टाटीबंध के बीएसयूपी कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति काफी जर्जर है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर स्थिति कब सुधरेगी, क्योंकि सरकार बदल चुकी है लेकिन जो काम है वो अब नहीं हो पा रहा है। बीएसयूपी कॉलोनी की स्थिति वैसे की वैसी है। अभी सवाल बने रहेंगे कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कब होगा। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।